वो तो कैसे हैं आप लोग। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए कौन सा मेडिसिन का उपयोग करें? प्लेटलेट्स अगर कम हो गई हैं आपकी बॉडी में तो आप कौन सी मेडिसिन की कौन सी दवा का उपयोग कर सकते हैं जिससे आपकी प्लेटलेट्स तेज़ी से बढ़ सकती हैं। तो मैं आज आपको इस टैबलेट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करता है और बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देता है। तो गाइस, वैसे आप अगर आपकी प्लेटलेट्स होनी कितनी चाहिए बॉडी में, तो 4.5 लाख से 1.5 लाख के बीच में होनी चाहिए। अगर 1.5 लाख से कम होती हैं प्लेटलेट्स तो बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और जब प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं तो बहुत ही तेज़ी से कम होती हैं। तो अगर आप में अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत हो गई है तो आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तेज़ी से ये मतलब काम करता है अपना, मतलब प्लेटलेट्स को तेज़ी से बढ़ा देता है। तो ये इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये आता कितने का है, इसको लेना कैसे, वो मैं आज आपको बता देती हूँ। प्लेटलेट्स ज़्यादातर डेंगू, अगर डेंगू किसी को हो जाता है तो डेंगू में ज़्यादा चांस रहते हैं प्लेटलेट्स को कम होने का, मतलब प्लेटलेट्स उसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए पपाया यानी कि पपीते के पत्ते का जूस का उपयोग भी कर सकते हैं उससे भी। तो कई बार क्या होता है, पपीते का पत्ते का जूस बहुत सारे लोग नहीं पीना पसंद करते हैं, वो नहीं पी पाते हैं, तो उनके लिए ये टैबलेट्स बहुत अच्छा है। ये इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और मतलब ये आसानी से अवेलेबल भी है, मतलब आपको मिल भी जाएगा, और इसको पी, मतलब इसको सिर्फ टैबलेट्स है इसलिए इसको, वैसे ये पपीते के पत्ते से ही बनाया गया टैबलेट्स है और पपीते का ही है। तो ये इस टैबलेट का आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको प्लेटलेट्स बढ़ाने हैं तो इसके इससे बेटर कोई भी, मतलब मुझे लगता है बहुत ही अच्छा टैबलेट्स है, बहुत ही तेज़ी से ये अपना काम करता है। ये आता कितने का है, ये 520 रुपीज़ का ये आता है, मतलब 520 रुपये का ये आपको मिल जाएगा, और इसमें करीब 15 टैबलेट्स होंगे। इस तरीके से टैबलेट्स में आती हैं, इसका उपयोग किया गया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि हाँ आप भी इसका इस्तेमाल करके अपने प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं। प्लेटलेट्स कम होने पर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं आपको, मतलब आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है, इतनी ज़्यादा खतरनाक ये सब दिक्कत होती है अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो आप इस मेडिसिन से आपने प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं अगर कम हो गई है तो। ठीक है, इस मेडिसिन को लेना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस मेडिसिन को बच्चों से बचा के रखना है और दिन में इसको 3 बार उपयोग करना है। इसका नाम है कैरीफिल, और जिसका मैं मतलब आपको इसका फ़ोटो भी थंबनेल पर दे दूंगी, जो आपको आसानी से ये आपको पता चल जाएगा कि कैसा है इसका, क्या नाम है। ठीक है, क्योंकि वीडियो में उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है। इसका नाम कैरीफिल है, और इसको लेना कैसे है, इसको दिन में 3 बार आपको उपयोग करना है, 3 बार इसका इस्तेमाल करना है, दिन में सुबह दोपहर शाम में, खाना खाने के बाद एक टैबलेट लीजिए। दिन में 3 बार लेंगे तो आपको एक ही, मतलब एक ही ये जो टैबलेट्स है, ये जो इसमें 15 टैबलेट्स हैं, ये आपको इतने से ज़्यादा फिर आपको दोबारा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने में ही इसका आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने प्लेटलेट्स को चेक करवा लीजिए, और ताकि मतलब आपको पता चल जाए कि हाँ बढ़ गया है प्लेटलेट्स। और जनरल फिजिशियन जो होते हैं वो भी रिकमेंड करते हैं पेशेंट को प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए ये वाला दवाई देते हैं, तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय। और थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई हो बोलने में, प्लेटलेट्स बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक मुझे होता है, तो उसके लिए सॉरी।